हेलो स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स के इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। आज हम ग्रैनीज फैबुलस किचन, जो हमारी शॉर्ट स्टोरी है, इसको शुरू करेंगे। ठीक है, तो ग्रैनी यहाँ पे जो है, जो ग्रैंड मदर का, उसको शॉर्ट फॉर्म में ग्रैनी लिखा गया है। वो फैबुलस मतलब जो बहुत अच्छा हो, यानी जो इनकी ग्रैनी है, जो इनकी ग्रैंड मदर है, उसका जो किचन है वो फैबुलस है, बहुत ही अच्छा। अब ये बहुत अच्छा क्यों है ये हमें लेटर ऑन इस स्टोरी में पता चल जाएगा। तो अभी हमें इतना समझना है कि जो ग्रैनी का किचन है वो फैबुलस है। ठीक है, तो मैं पढ़ता जाऊंगा, आप साथ साथ नोट करोगे, प्रोनाउंसिएशन देखोगे और कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये भी आप साथ साथ देख लोगे। ठीक है, तो जो इस जो ये पहला पैरा है, इसमें दिया गया है कुछ डिशेस का नाम दिया गया है जो हमारे कल्चर में, जैसे दाल बिरयानी, पुलाव, फ्राइड राइस, कबाब, प्लान राइस, गुश्ताबा, चिकन एंड यखनी। आपको ये कह रहा है कि एक एक्टिविटी करने के लिए कि अपने किचन में जाइए, किसी पार्टनर को चूज के, लाइक आपका फ्रेंड हो, तो इनमें से कोई एक डिश सिलेक्ट करके आप उस पर देखो कि इस डिश के बारे में स्पेशल क्या है, ये कैसे बनता है और इसका टेस्ट क्या है, या ऐसी ऐसी चीज़ें इस डिश के बारे में आप डिस्कस करो। ये एक एक्टिविटी है जो आपको करनी है। ठीक है, आप करो तो ठीक है, नहीं करो तो वो भी ठीक है, तो करना बेटर है। यहाँ से जो हमारी शॉर्ट स्टोरी है शुरू होती है। तो हमारी शॉर्ट स्टोरी में क्या होता है, मैं पढ़ता हूँ, आप ख्याल रखोगे। ठीक है, वन एवर ग्रैनी मेड वनीला और चॉकलेट फज, शी गेव मी सम टू टेक मोहन द गार्डनर्स सन। शुरू होता है, कोई आपसे कहता है स्टोरी में, जो स्टोरी टेलर है, कि जब भी मेरी ग्रैनी यानी मेरी ग्रैंड मदर, जब भी वो वनीला या चॉकलेट फज बनाती थी, फज मीन्स ये एक क्रीम, चॉकलेट और शुगर का एक मिक्सचर बनता है, ये मीठा होता है। तो जब भी वो ये चीज़ बनाती थी, तो मैं क्या, तो वो मुझे, शी गेव सम टू टेक टू मोहन, टू टेक मोहन द गार्डनर सन, जो हमारे घर में जो गार्डनर था उसके बेटे के लिए कुछ वो देती थी कि उसके लिए भी ले जाओ। ठीक है, यानी जब क्या क्या बनता था, वनीला या चॉकलेट फज बनता था। इट वॉज़ नो यूज़ टेकिंग हिम रूस्ट डक और करीड चिकन बिकॉज इन हिज हाउस नो वन एट मीट। फर्दर ये एक्सप्लेन करता है कि अगर हम वहाँ पे कुछ चीज़ें जैसे रोस्ट डक या करीड चिकन, रोस्ट मतलब बुना हुआ, जो लाइक फ्राई नहीं किया हुआ, बुना हुआ, आग पे बुना हुआ डक अगर हमारे घर में वो बनता, या करीड चिकन या मसालेदार कोई चिकन बनता, तो वो हम मोहन के घर में नहीं लेते थे, क्योंकि फ़ायदा ही नहीं था। फ़ायदा क्यों नहीं था, क्योंकि वो सब वेजिटेरियन थे, वो मीट नहीं खाते थे। ठीक है, इसलिए उनके घर में सिर्फ वनीला और चॉकलेट फज, कोई भी वेजिटेरियन डिश जो थी वो वहाँ पे जाती थी, लेकिन जो नॉन वेज था वो वहाँ पे नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि मोहन का जो फादर था और मोहन जो खुद था, वो दोनों वेजिटेरियन थे, वो नॉन वेज नहीं खाते थे। बट मोहन लाइक्ड स्वीट्स, जो मोहन था उसको ज़्यादा पसंद क्या थी, स्वीट्स। उसको नॉन वेज ज़्यादा पसंद नहीं था, तो क्या पसंद थी, स्वीट्स। क्या क्या स्वीट्स, गुलाब जामुन, रसगुल्लास, जलेबीज, विच वर मेड विद लॉट्स ऑफ मिल्क एंड लॉट्स ऑफ शुगर, एज वेल एज ग्रैनीज होम मेड इंग्लिश स्वीट्स। तो ग्रैनी के हाथ के बने हुए गुलाब जामुन, रसगुल्ले, जलेबियाँ जो हैं वो जाती थी मोहन के घर। वो ये किस चीज़ से बनती थी, इसमें बहुत सारा मिल्क और लॉट्स ऑफ शुगर लगता था, मीठा होता था, ये चीज़ें जाती थी। प्लस ग्रैनी, अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स, ग्रैनी जो था वो घर पे ही एक इंग्लिश स्वीट्स भी बनाती थी। जो ये स्वीट्स है गुलाब जामुन, ये इंडियन है। ठीक है, तो इंग्लिश मतलब जो बाहर की थी। ठीक है, तो उस टाइप की भी स्वीट्स वो बनाती थी। ठीक है, दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे, कल हम यहाँ से शुरू करेंगे। गुड बाय, टेक केयर।